अस्सलाम वालेकुम, क्लास आईकॉम चैप्टर नंबर 6 बाइनरी नंबर सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशंस। आज है डिवीजन, ये है जी सिंपल डेसिमल फॉर्म में। मैं इसको भी डिवाइड करवाऊंगा, इनका आंसर आएगा, सो कंपेयर करूंगा बाइनरी के आंसर के साथ। मतलब दो से तीन स्टेप्स में आपको डिवाइड करना सिखा दूंगा। पहले सिंपल डिवीजन क्या होती है, 87 अंदर आया, 14 बाहर आया, 14 6 are 84, दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर क्वेश्चंट। वो क्वेश्चंट है और ये आम रूटीन थी। लेकिन बाइनरी में क्या करना है, हमने डिवाइड करने का तरीकाकार होता है। डिवाइड वैसे कहते किसे हैं, 15 है ना, 15 को 3 पे डिवाइड करने का मतलब है 15 में से 5 दफ़ा 3 को निकाल दो। 15 में से 5 दफ़ा 3 को निकाल दो, 12 फिर बात समझ आई। डिवीजन असल में सब्ट्रैक्शन ही होती है कि निकालते जा रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए बाइनरी भी हम माइनस कर रहे होते हैं। बात समझ आई, पहले पता थी आपको डिवीजन ये चीज़ होती है, नहीं अंदाजा था ना। अब आगे आओ, 87 है ना, 87 में से 14 माइनस करना है। डिवीजन माइनस क्यों करना है, डिवीजन की वजह से। दिस इज योर रिमाइंडर, ये क्या आपका रिमाइंडर, और ये क्या आपकी फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, कि फर्स्ट दफ़ा उसे फर्स्ट टाइम आपने माइनस किया, क्या किया, फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, डन है। फिर अगेन 14 माइनस किया कितना आएगा, दिस इज योर सेकेंड सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज योर रिमाइंडर। नाउ अगेन 14, 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 1 4, दिस इज योर थर्ड सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज योर रिमाइंडर। अगेन 14, 1 एंड 3, दिस इज योर फोर्थ सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज योर रिमाइंडर। 14, 1 कैरी, 11 में से 4 गया कितना आता है 7, 2 में से 1 गया 1, दिस इज योर फिफ्थ सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज योर रिमाइंडर। अगेन 14, दिस इज योर सिक्स्थ सब्ट्रैक्शन कितनी है, एंड 3 इज योर सिक्स्थ इज योर, कोई बात समझ रही कि चली गई, कंपेटिवली हो गया कि मैं उसकी बेसिक भी क्लियर की, साथ के हो क्या रहा था, है क्या सिनेरियो, क्या पीछे, अब कुछ भी है हम डील कर सकते हैं। एडिशनल क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्चुअल आए, कुछ भी है हम कर सकते हैं अगर समझ गए आप तो। अब वो कहते नहीं 87 है ना, इस 87 को मैं पहले बाइनरी में कन्वर्ट करवा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 87 एंड 14 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उन्हें भी डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे क्या उनके आंसर्स यही हैं कि नहीं है। समझ रही, 2 7s are 14 0, 2 3 6s are 2 1s are 1 1 1 0 base 2, 2 4s are 8, 2 3s are 6 1 remainder, 2 2s are 4, 2 1s are 2 1 remainder, 2 1s are 2 0 1 remainder, 2 5s are 10 0 remainder, 2 2s are 4 1 remainder, 2 1s are 2 0 remainder, 1 0 1 0 1 1 1, this is your binary conversion। मतलब क्वेश्चन में इसको बाइनरी कन्वर्जन नहीं आती वो भी समझ आ गई, इसको डिवाइड करना नहीं आता वो भी समझ आ गया, इसको माइनस करना नहीं आता वो भी समझ आ गया कि चला गया। अब ये दो पकड़े, ठीक है, ये 87 का आंसर है ना, तो बढ़ाई है ये पहले आएगा 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1, और ये ट्रिपल 1 0, ये क्या है फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, 0 0 1 1 0, इधर से नंबर उतारना आपने और वैल्यू के नीचे वैल्यू उतारना है, वैल्यू के नीचे वैल्यू उतारनी है, ये क्या हो रही है आपकी फर्स्ट, ये क्या आपकी फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, इधर थोड़ी सी चेंजिंग आई, इधर होश में रहना आपने, और इस क्वेश्चन में आप माइनस करना भी सीख देंगे। सर इब्राश डू योर वर्क, कुछ पढ़ लें आप भी, 1 में से 0 माइनस कर सकते हैं, यस 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, 0 में से 1 माइनस नहीं होता,
यहाँ से वन कैरी किया, यहाँ पे पीछे बचा जीरो। वन जीरो बाइनरी में किसके बराबर होता है? कैसे? बाइनरी में वन वन के बराबर है, जीरो टू किसके बराबर है, थ्री किसके बराबर है, फोर किसके बराबर है, फाइव किसके बराबर है, सिक्स किसके बराबर है, सेवन किसके बराबर है, क्यों देख लें, ये है थ्री, टू वन ज़ा टू डिमांड रिमाइंडर आई गई, ये भी नहीं पता होगा पहले। चले आगे आए, सिक्स पे आए, टू थ्री ज़ार जीरो रिमाइंडर, टू वन ज़ार वन वन जीरो आ गया, ये रट्टा वो कॉन्सेप्ट। दस के बाद ग्यारह, फिर सौ, सौ के बाद एक सौ एक, एक सौ दस, फिर ट्रिपल वन। देखिए जीरो जीरो, वन वन, टेन टेन, इलेवन आ रही है जा रही है, फिर हज़ार, एक हज़ार एक, एक हज़ार दस, समथिंग एंड सो ऑन। चलिए आ गई पहले भी, इतना इनफ है, नहीं आता टेबल बनाओ अपना आंसर निकाल लो। इधर भाई आगे चलें, ये आ गया था वन जीरो जो कि बराबर था टू के, क्या था यहाँ लिखा टू, टू में से वन गया वन, वहाँ क्या बचा जीरो, वैसे ही वहाँ क्या बचा हुआ है जीरो और वन, वैसे ही आ गया वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो वन, दिस इज योर रिमाइंडर। अगेन माइनस करना है, ठीक है जी, ये क्या होगी अब आपकी, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन ये वन है, इस वन में वन प्लस किया कि सेकंड टाइम कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो गया टू, टू किसके बराबर है वन जीरो के, और दिस इज योर सेकंड सबट्रैक्शन। आगे की चली गई, समझ तो नहीं आ रही, अगेन माय रिमाइंडर क्या बचेगा, सर वन में जीरो गया वन, अब यहाँ से वन किसको गया, ये बचा जीरो, वन जीरो किसके बराबर है टू के, उस वन टू में से यहाँ वन कैरी आया, पीछे बचा वन, ये वन जीरो टू के बराबर है, टू में से वन माइनस वन, वन में से वन माइनस जीरो, जीरो में से वन माइनस होता है नहीं, अगेन मांगने गए, इसके पास आया वन दिया जीरो बच गया, ये वन जीरो किसके बराबर है टू के, यहाँ लिखा टू, टू ने आया कैरी किया वन, पीछे क्या बच गया वन, वन जीरो है, ये किसके बराबर है, पीछे इससे वन कैरी आगे किया, पीछे क्या बच गया वन, अब ये क्या आया वन जीरो, किसके बराबर है वो टू के, टू में से वन गया वन, वन वैसे ही, और वो वाला वन भी वैसे, ट्रिपल वन जीरो वन वन, वन 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 जीरो वन वन, दिस इज योर रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर रिमाइंड करवाने वाला, याद करवाने वाला, रिमाइंडर रिमेन से बचने वाला, बकिया। ये थोड़ा टफ टाइम दे रहा आपको माइनस वाला, इसके क्वेश्चन मैं यहाँ बना रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, यहाँ बना दूँ ठीक है जी, इसके पास जीरो है, ये कह रही इसके पास गया, ये बेचारा खंगला था, उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है सावरे से ले लो, वो साले के पास ने कहा भाई मेरे पास भी कुछ नहीं है, जेब खाली थी उसकी, वो इसके पास आया, इसके पास एक ही था उसको दे दिया, पीछे क्या बच गया, ये बचा वन जीरो किसके बराबर है, ऊपर लिखा टू, वन आगे भेज दिया, पीछे क्या बच गया वन जीरो किसके बराबर है, वन आगे भेज दिया, पीछे क्या बचा टू के बराबर है, टू में से वन गया वन में से बन गया, वन में से बन गया, वो ला जीरो वैसे ही, और वो जीरो आगे ही चली गई, ये माइनस जो होता है यहाँ क्लियर करने के लिए लिख दिया मैंने, अगेन माइनस क्या करना है मैंने, जीरो वन वन वन, अब ये है टेन, टेन प्लस वन क्या होगा इलेवन, और थर्ड सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, थर्ड सब्ट्रैक्शन, वन में से वन गया वन में जीरो गया, वन में से वन गया और फिर वही आ गया बदतमीज इंसान, इसे वन कैरी किया टेन, पीछे बचा जीरो, टू, टू में से वन गया जीरो में से वन तो नहीं जाता, फिर कैरी किया टेन, टेन बराबर है टू के, टू में से वन गया जीरो वैसे ही और वन वैसे ही, दिस इज योर रिमाइंडर, वन जीरो वन वन जीरो वन, समझ तो नहीं आ रही, अगेन जीरो वन वन वन, दिस इज योर फोर्थ सब्ट्रैक्शन, इलेवन प्लस वन कितना होता है, हमने क्या लिखना है, इलेवन प्लस वन इज इक्वल टू, आई के चली गई, अब ये कौन सी सब्ट्रैक्शन हो गई, फोर्थ सब्ट्रैक्शन, जा रही है कि आ रही है भाई साहब, आ रही है, चले वन में से जीरो गया वो फिर आ गया,
टू में से वन गया वन, जीरो वन कैरी किया टेन, पीछे जीरो बच गया, टेन बना टू, टू में से वन गया, ये जीरो है, वन कैरी किया इसको, ये बना टू, ये टू बन गया, इसने आई कैरी किया वन, वो टेन बन गया, टेन बना टू, टू में से वन गया वन, वन वैसे ही आ गया। दिस इज योर रिमाइंडर अगेन जीरो वन वन वन। अब जहाँ छोटे लगी हमारी, अब क्या होगा ये हंड्रेड प्लस वन क्या होगा, दिस इज योर फिफ्थ सब्ट्रैक्शन, वन माइनस जीरो वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन और वन एज इट इज, ये क्या आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं रिमाइंडर, आ गई है चली गई है। अगेन से क्या माइनस होगा, जीरो वन 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 माइनस जीरो, अब वन कैरी किया पीछे बचा जीरो, वन टू के बराबर है इससे वन किया, आगे पीछे वन बच गया, ये टू के बराबर है आगे किया वन पीछे वन बच गया, ये टू के बराबर है, टू में से वन गया वन, वन में से वन गया वन में से वन गया, ये वैसे ही है, अब ये बच गया वन वन, ठीक है। ये कौन सी सब्ट्रैक्शन थी आपकी, सिक्स्थ सब्ट्रैक्शन कौन सी थी, पहले इसको वर्किंग कर लें, वन जीरो वन है ना, प्लस वन क्या होगा वन टेन, क्या होगा समझ आ रही कि जा रही है, और ये आपकी सिक्स्थ सब्ट्रैक्शन है, कौन सी सब्ट्रैक्शन है ये आपकी सिक्स्थ, रिमाइंडर क्या आपका ये इलेवन, रिमाइंडर क्या है, अब वेरीफाई कर लें इसको, ये आया जी 110 आपका क्वेश्चन और 11 क्या आपका रिमाइंडर, क्वेश्चन कितना है 110, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0, 1 एंड 2, 2 2 आर 4, 2 1 आर 0 की जिसकी पावर 0 हो क्या होता है 1, ऑब्जेक्टिव आ सकती है, ध्यान में रखिएगा a रेज़ टू पावर 0 किसके बराबर आएगा, वो ऐसे क्वेश्चन बना के दे देगा, हमने 2 की 2 रेज़ टू पावर 0 किया है ना, ऐसा ही क्वेश्चन बनना है सिमिलैरिटी से, 4 प्लस 2 प्लस 0 दिस इज 6, दिस इज आ गया 6, किसी को अभी 6 था, कहाँ था 6, वो 6 ऊपर, अब आ गया नहीं, मेरा क्या बचा था नीचे रिमाइंडर 11, ये था रिमाइंडर, अब क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 2 2 1 2 2 प्लस 1 क्या होगा रिमाइंडर 3 आ गया, मतलब पहले डेसिमल में थे, डेसिमल से सौ को दिखाया, फिर जो आंसर्स आए उनको भी कंपेरिजन करवाया, ठीक है जी, कि नहीं समझ आई, लास्ट टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया इसके अंदर से, प्लस माइनस था माइनस करवा दिया, प्लस भी करवाता हूँ टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसी लेक्चर में दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, माइनस कर लिया ना हमने, वन 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 वन, प्लस वाले में जितने वन होंगे उतनी टेंशन है, माइनस वाले में जितने जीरो होंगे उतनी टेंशन है, वन प्लस वन क्या होगा टू किसके बराबर है वन, जीरो के जीरो यहाँ वन कैरी, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री इक्वल टू वन, वन वन यहाँ वन कैरी, वन यहाँ वन कैरी, वन यहाँ वन कैरी, प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया डिवीजन भी आ गई, रह क्या गया मल्टीप्लिकेशन, वो भी करवा देता हूँ, कल डेसिमल क्वेश्चन करवा दिए थे, पूरा चैप्टर ही सम हो गया इसके अंदर, मल्टीप्लाई क्वेश्चन पे आए जरा आप, बाइनरी कन्वर्जन भी सिखा दी, डेसिमल में कन्वर्ट करना भी सिखा दिया, माइनस करना भी सिखा दिया, डिवाइड करना भी सिखा दिया, प्लस करना भी सिखा दिया, और कल पॉइंट वाले क्वेश्चन को कन्वर्ट करना भी सिखा दिया था, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में, अब मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आसानी हो जाएगी आप लोगों की, कोई क्वेश्चन है 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 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
वन आ गया, वन प्लस वन टू इक्वल टू वन जीरो वन, वन जीरो फिर टू जीरो वन, फिर टू जीरो वन, थ्री वन वन टू आ गई कि चली गई है, प्लस माइनस मास्टर लेक्चर बन गया कि नहीं बना, पूरा चैप्टर इसके अंदर आ गया है। थैंक यू।